आ जाइए हाफिज जलंधरी दी उस प्यारी घटना से, भुलता नहीं है ना तुसी कि जो बचपन चो गए एक फकीर के दर से कुछ दिन उत्थे रहे तो कहते बारिश नहीं हो रही सी, चारों पासे गर्मी बहुत सी, तो कुछ ना मुला आ गए कि जिन्हों ये फकीर देखो अपने अगे ही लोग ये अगे झुकी जाते हैं, मस्जिद जाने की बजाय ये दर पर आई जाते हैं, वो बड़ा करते सी। एक दिन आ गए ना कुछ लोग कट्ठे हो गए आ गए उन्होंने फकीर के दर पर, तो आ के कह लगे ल बनिया बड़ा फकीर तू, जे वाकई फकीर च कोई ताकत होंगी है तो इन्ने दिन हो गए बारिश नहीं पै रही कि तू लोगों के दुखों को दूर करता, बारिश नहीं पवा सकता तू, तो आके मेरा जहा मारिया उन्होंने। नाले लोग बैठे सी कि इन्हां विच कहांगे तो इज्जत थोड़ी शान थोड़ी घट जाएगी, तो उन्होंने कहा कि बड़ा फकीर बनया, इन्ने लोग तेरे अगे झुकते हैं, तेनू इन्नी इज्जत देंदे आ प्यार करते कि बारिश नहीं करवा सकता तू, इन्ने दिनों तो बारिश नहीं हो रही, चारों पासे त्राही त्राही मची है। तो उस वेले वो फकीर ने कहा भाई तुसी भी तो खुदा की इबादत करते हो, तुसी भी तो नमाजा पढ़ते हो, तो तुसी क्यों नहीं करवाई? वो कहते असी तो बहुत दुआवां कर लईआं नमाजा पढ़ पढ़ के पर नहीं हुई, हुण जे तू वाकई सच्चा फकीर है करा के दिखा दे, फिर तू करा दे। जो इन्नी गल कही ना हाफिज जलंधरी लिखते है, वो फकीर कहते गल छड्डो साडी कि असी सच्चे आ जां झूठे, और जिहड़ा रब नूं सच्चा इश्क करदा होवे ना वो साडी गल तां छड्डो, तुसीं बारिश चाहते हो ना तो यह बारिश इन्नी छोटी जी चीज़ है, वह मैनू रब नूं कहण दी की लोड़ है, यह तो मेरे दर दा कुत्ता कह दे तां हो जाए। गल समझण वाली है, कहिंदे वो फकीर दे दर ते कुत्ता रहिंदा हुंदा सी, वह कहिंदे ये मेरे रब दे फकीर दी गल पुछदे हो, वो ये तो इन्नी छोटी जी गल है, तुसीं कहिंदे दुआवां करदे होई नहीं, तो दुआ वह कबूल होंगी जो इश्क नाल कीती जावे, जो मुहब्बत नाल कीती जावे, क्योंकि दिखावा रब नूं पसंद ही नहीं है। जिदा बुल्ले शाह ने की किया है, बाहरों धोवे लत्तां गोडे तेरे अंदरे रही पलीती, कन्ना नूं हथ लाए पहले दिलों नमाज ना नीति, कि बाहरों तो कर लिया तू पर दिल तेरा कितने होर है। की कहिंदे कन्ना नूं हथ लाए पहले दिलों नमाज ना नीति, तेरा दिल खलावे मुंडे कुड़ियां सजदे करे मसीती, ओए दुनियादारा रब दे नाल भी 420 तै कीती। वो कहते तू रब ना भी ठगियां करता कि ध्यान कितने होर है तो बैठा कितने होर, हुण फर्ज करो तुसीं बैठण नूं सत्संग च बैठे हो तो जे ध्यान ही, हाए मेरा बच्चा स्कूलों आ गया होना, पता नहीं रोटी खाधी होनी कि नहीं, पता नहीं उन्हें कपड़े बदले होने कि नहीं, तो फिर यह मतलब बैठे सत्संग तो दिल मुंडे कुड़ियां खिला रहा है, तो फिर यह मतलब हाजरी इत्थे नहीं, फिर तो घर च ही लगनी है। इसलिए जदों सत्संग च आ गए तो फिर सब कुछ भुल जाओ, फिर तो हो जाओ वो कि जिहदे दर ते बैठे हाँ वो आपे मेरे बच्चों की मेरे घर की मेरे जीवन की संभाल करेगा, और जिहदी संभाल वह करेगा उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंदा वह नहीं संभाल सकता, क्योंकि बंदे की ताकत बड़ी थोड़ी है जो उसने संभाल लेना है। जरा समझो कई बार ना बंदा सोचता है कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, पर जो वक्त आता तो बंदा कुछ कर ही नहीं पाता, फिर बंदे नूं पता लगता है कि मेरा बस नहीं चलता, तो फिर उत्थे बंदा उन्हें याद करता क्या मालिक मेरा बस नहीं चलता पर तेरा बस तो हर चीज़ पर चलता है, तू रहमत कर तो फिर रहमत भी हो जाती है। सो उस वेले उन्होंने फकीर ने कहा वो तो इन्नी छोटी जी गल है, मैनू दुआ करन दी की लोड़ है, तो फकीर दे दर दा कुत्ता कर सकता है। तो उस वे उन्हें कहा भी कुत्ते तो करवा दे, सानूं तां बारिश चाहिए है, कहिंदे लै फिर कुत्ता ही करेगा हुण, कहिंदे उन्होंने इशारा किया बैठे कुत्ते नूं, कुत्ता कोल आया, उन्होंने फकीर ने कुत्ते नूं कंच कुछ किया, कुत्ता उत्थों चला गया, कुत्ता उत्थों चला गया। ये हाफिज जलंधरी लिख रहे हैं आप एडे वड्डे शायर कि मेरा अखी देखिया ये वाकया, कहिंदे कुत्ता चला गया। तो इन्हां फकीरां ने की किया अपने सेवकां नूं कि भाई कुत्तियां दे ना भोजन का इंतजाम करो, कहिंदे कुत्तियां वास्ते भोजन तैयार किया गया, खाना तैयार किया गया, और कितना तैयार किया गया, कहिंदे 250-300 कुत्ता आना खाना तैयार करो इन्हां दा। वो बड़ी समझने वाली गल है, और फिर फकीर ने अपने सेवकों नूं कहता पूरे मोहल्ले च दस दिओ कि आ गली खाली कर देन, आ गली खाली कर देन जो मोहरे उन्होंने दरबार के मोहरे से। कहिंदे जिदा जिदा हुक्म होया खाना तैयार हो गया, और गली विच फकीर ने आप खड़ के प्याले होंदे कोलियां जीआं वो सारिया इदा रखा दित्तियां, जिदा लाइन के इधर भी रखा दित्तियां इधर भी रखा दित्तियां दूर तक, और फिर कहा कि समा होने वाला इन्हां च खाना पा दिओ। कहिंदे खाना पा दिता गया कोलियां च, पर है कोई भी नहीं उत्थे,
वो भी खड़े देख रहे हैं, जिन्होंने कहा कि कराओ बारिश, वो कहते लै इनिया कोलियां इन्ने प्याले कहते वास्ते रखते इतने खाने वास्ते, इतने का कुत्ता ही कोई है नहीं, फकीर खड़े है क्योंकि समा, वो कहते बस हुण मगरी दा मगरिब दा समा शाम दा समा होने वाला है, बस इंतजार करो। आखिर कहते वो टाइम आया, वह फकीरां दे दर दा कुत्ता आ रहा है सामने, जो आ रहा है तो यह मजाक उड़ान लै आ गया कुत्ता इन्हों का, देखते की हुंदा है। पर जिदा ही वो आया तो देखिया वो मगर मगर 250-300 कुत्ता होर भी आ रहा है, वह गया से कुत्ते लैके आया। जरा समझना सारिया ने, हाफिज़ जलंधरी लिखते मैं हैरान सी बचपन में कि की हो रहा है, ये फकीर ने कुत्ते के कान च की किया, ये अपने साथियों नू लैके आ, कुत्ता इन्हें भाषा समझता, कहता उसने मेरे मन च कई सवाल से क्योंकि बच्चा सी मैं, पर बाद चो समझ आई कि रब की रहमत या फकीर की कर सकते हैं। कहते उस वेले मैं हैरान सी कि सारे कुत्ते आए और जिदा वो कोलियां रखी गई सी ना, वो कुत्ते आए और आके अपनी अपनी कोली को बह गए, कोई झगड़ा भी नहीं, नहीं तो कुत्ते मुड़े रोटी रख दो ना एक दूजे को गुर्रा के पेंदे मैं खानी, और वो कहते कुत्ते इन्ने इदा लगता सी कि जिदा ट्रेनिंग दिती हुंदी है उन्होंने, समझदार होंगे है, अपनी अपनी कोली को आके बह गए, मूँह नहीं लाया किसी ने आंदिया खाना नहीं शुरू किया, नहीं तो तुम कुत्ते मुड़े ना दुध पा दो कोई चीज़ पा दो आप माड़े हो ना ही फटाफट खाने की कोशिश करता, पर कहते कुत्ते आके बह गए और किसी भौंके नहीं, इन्ने कुत्ते किसी को भौंके नहीं तो कितने चार कुत्ते खड़े हो जाए तो इन्ना रौला पैंदा है कि लोग तंग हो जाते कि डराओ इन्हों, यह भौंकी जाते हैं गुर्राई जाते हैं, कहते शांति नाल आके बह गए। और जो सारे अपनी अपनी कोलियां को बह गए तो उस वेले फकीर ने उतो इशारा किया हूँ खाओ, कहते इशारा होंद ही कुत्तिया ने खाना शुरू कर दिता। जरा गौर करना, एक शायर वाक्या लिख रहा है हाफिज़ जलंधरी की कहें कि जिस वेले फकीर ने कहा खाओ, सारे कुत्तिया ने खाना शुरू करता, फिर खाने तो बाद फिर उत्थे बैठे है, नहीं तो यह नहीं कि एक कुत्ता खा के तुर पिया, कहते खाना खाने तो बाद कोलियां खा ली हो बैठे है, तो फिर फकीर ने कहा खड़िया ने सामने लाइन लगी है कि हुण तुसी ओ फकीर दे दर ते आए हो, रब दा दित्ता रिजक खा लिया, तुसी रब दा दित्ता रिजक तुसी खा लिया, हुण जे तुहाडा पेट भर गया तो हुण दुआ करो खुदा दे अगे कि ऐ खुदा तू मैनू रिजक दिता है तो हुण बारिश भी दे ता कि यह पृथ्वी होर रिजक पैदा कर सके होर अन्न पैदा कर सके। कहिंदे जदों हाफिज़ जलंधरी दसदे कि फकीरां ने हुक्म किया सारे कुत्तियां ने मूँह आकाश वल चक लिया और अपनी आवाज़ भी घू घू कर लापे, जिदा ना भौंके नहीं, जिदा आप कई बार कहते कुत्ता रोंदा है, समझ दो कि नहीं, वो दस दौ कुत्ता रोंदा नहीं हुंदा, कुत्ता दुआ करता हुंदा, बोलो समझ दो कि नहीं, कुत्ता की करता हुंदा है दुआ करता हुंदा, तो बंदा कहिंदा पत्थर मारो कुत्ता रो रहा है, नहीं जरा हुण ध्यान देने वाली गल है, कभी किसी कुत्ते का बच्चा मर जाए ना, किसी माँ का बच्चा कुकरी की गल कर रहे हैं, तुम देखो रोएगी जरूर पर तू उदा नहीं करेगी, वो रात को कई बार एक टाइम होता है जो कुत्ता करता है, कहते करन दे उनू पत्थर ना मारो की पता तुहाडे बरकत वास्ते दुआ करता हो, क्योंकि कहते ना कुत्ते वर्गा वफादार कोई नहीं होंदा, जिस दरदा खांदा है वह दरदा भलाई मंगता है, वो वास्ते कभी उजाड़ नहीं मंगता, पर बंदा की है वो लै कुत्ता रो रहा दुड़ाओ इनू, वो तेरे वास्ते रहमत की दुआ हो सकती, क्योंकि हर पशु पंछी अपने रब नू मनदा भी है याद भी करता अगर दुआ भी करता है, ये समझना जरा सारिया ने। कहते कुत्तियां मूँह पर चक के अपनी आवाज़ में कू कू करना शुरू किया, जिदा सारे एको ही लैच बोल रहे हैं, सारे तमाशा देख रहे हैं, वो मौलवी तो हैरान है, यानी जेडे आए सी कहते हो की रहा है, इतने एक कुत्ता ही संभालना औखा है तो इतने तो 250-300 कुत्ता है, हुण ये ना भौंक रहे हैं कुछ नहीं, बस बैठ के मूँह उपर नू करके कुछ बोल रहे हैं, हुण जदों बोले लगातार 5-7 मिनट वो अपना करते रहे, और उस तो बाद हाफिज़ जलंधरी दसते फिर वो शांत होए, फकीर ने कहा हो गई दुआ जाओ फिर इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहे तो बारिश भी जल्दी होएगी, और समझ दो कि नहीं, जब कुत्ते चले गए तो मौलवी कहते लै लो ऐ फकीर दुआ हो गई बारिश कदों आएगी, तो फकीर ने कहा मौलवी जी तुहाडे मस्जिद पहुंचने तो पहले बारिश होएगी, ये कुत्तियां की दुआ दा और रब की रहमत दा असर है, और कहते वाकई वो दसते हैं
हाले चले ही सी के बादल आने शुरू हो गए और मस्जिद तक पहुंचते पहुंचते सारे भिज गए। और ऐसी फिर कहांगे इनू कोई इदा ही वाक्य ना, क्योंकि कई बार बंदा जो कोई सच्चिया घटनावां कोई अखी देखता है ना फिर उन्होंने पता लगता की है। ता ही असं उस शायर का नाम भी दस रहे हैं कि उन्हें अपने जीवन की घटना आप लिखी है, दसी है कि आ वाक्या मैं अखा ना देखिया। तो फिर कहते उत्थे लोगों ने की किया फकीरां नू के मारे ये तुहाडी करामात है, वह कहते मेरी करामात नहीं है ये मेरे खुदा की रहमत है। क्योंकि एक आशिक कभी अपने सिर वो लेंदा ही नहीं, वो कहता जो कर रहा है जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, ये जलवा यार का है मैं नहीं हूं। अली बोले दरे खैबर पलट कर, अली बोले दरे खैबर पलट कर, ये शाने मुस्तफा है मैं नहीं हूं। जो एडा वड्डा दरवाजा जिदा घटना दसी सी कि 40 मन का दरवाजा ना चक के मारिया, किसी ने कहा अली एडा भारा दरवाजा दो हाथ ने चकता, वो कहते शान मेरे नबी दी है, मेरे मुर्शद दी शान है, ये मेरी नहीं है। अज बंदा कहता जो किया मैं ही किया, माड़े चंगा काम करते मैं किया, जो बुरा हो जाए तो पता नहीं रब की करवाई जाता है, बुरा हो जाए तो रब करवा रहा है, चंगा हो जाए देखिया कर लिया कहीं झंडे कर दते कि नहीं, देखिया मैं किया कि नहीं, ये मैं ही सी जरा कर गया। यानी हंकार बंदी अंदर इन्ना है कि चंगा हो मैं किया, माड़ा हो रब करवाई जाता है, पता नहीं वो मौज की है। तो भाई माड़े में ही वो मौज है, चंगे है नहीं। जिहड़ा वह शुक्रगुजार है ना वो तो हर हालत में कहता कि जो मैं कर रहा है ना ये मैं नहीं, ये वो रहमत है तो हो रहा है, नहीं तो मेरे वर्ग तो इतने लखा ही घूमते हैं। और समझते हो कि नहीं, इनू कहें निम्रता, इनू कहें प्रेम। और जो ये प्रेम असी अपने मालिक नाल जोड़ देंगे फिर मालिक होर भी खुश होंगे। तो जे बंदा मैं किया तो रब कहता तू किया अगली बार करके दिखाई फिर तो फिर हो जाएगा। तो जे कहे ये सब कुछ ना शान मेरे रब की है, मेरे मालिक की है, वो कृपा है, तो रब कहेगा जे मैनू अगे लिया तो जा सदा मैं तेरे अगे ही रहूँगा, हर मुश्किल का सामना पहला मैं करूँ बाद चो तेरे तक आएगी। और जिते वो अगे खड़ जाए बंदे तक तो आने की फिर गल ही नहीं रही। एक मुश्किल बाप बाप देखता बच्चे दे वाल आ रही है, तो जे बाप ही खड़ जाए तो बच्चे तक पहुँचने दिता ही नहीं, और रास्ते ही काम खत्म कर दिता है। इसी तरह जे असी भी अपने मालिक पर विश्वास रखते हैं, वो शान बयान करते हैं कि वो कृपा है, वो रहमत ना सब कुछ हो रहा है, वो कहता जे मेरे गल आ गई तो सदा मैं तेरे ना। इसलिए सब के अंदर हिम्मत पैदा करो, सब के अंदर हौसला पैदा करो, सब के अंदर साहस पैदा करो, विश्वास पैदा करो। इतों पता लगता है कि फकीर दे दर दे कुत्ते दुआ करते हैं तो बारिश हो जाती है, तो जे फकीर दुआ कर दें फिर की नहीं हो सकता। फिर आ सोचो फिर, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये छोटी जी गल है बारिश होना, तुम कहते असी खुदा के दुआवा करते तो इदे नहीं दुआवा सुनिया जाए, वो वास्ते करनी भी वो करनी पैंदी है। जिदा दस्या से ना बाबा फरीद दे कोल कोई गया कहिंदा महाराज मेरे घर च बच्ची की शादी है, गरीबी बहुत है। बाबा फरीद ने पत्थर लिया, ये घटना फटाफट दस दईए, पत्थर लिया बाबा फरीद ने उत्ते ना सूरा कुल हो बल्लाहू अहद अल्लाहू यानी सूरा कुल पढ़ के फूक मारी, तो वह पत्थर सोने का हो गया। कहिंदे लै बेच के कुड़ी की शादी कर ली। वो बंदा हैरान हो गया कि सूरा इखलास पढ़ के फूक मारन नाल ही पत्थर सोने का हो जाता, कमाल की गल, मैं भी करूँ फिर तो घर जाके, मैं तो ढेर ला लैना सोने का। कहिंदे जाके ना घर जदों गया अपनी पत्नी नू अपनी धियां नू कहा जल्दी जल्दी पत्थर कट्ठे करो जिन्ने हो सकते है। वो पत्नी और बेटियां सोच लगे दिमाग खराब हो गया पत्थर की करने हैं, वो कहिंदा दसना नहीं बस चमत्कार करके दिखाना मैं, इस करके जदों मैं भी सूरज खलास पढ़ के फूक मारूँ जो सोना हो गया फिर हैरान हो गए, इसलिए पहला पत्थर कट्ठे कराव। हूँ जदों क्या वो कहिंदी करने की पत्थर, कहिंदा जो मर्जी करा ढेर लाओ बस आप भी बड़े बड़े पत्थर चक के लिया वे, तो पत्नी वो धियां भी लिया तो सोचने का दिमाग तो नहीं खराब हो गया पत्थर की करने हैं। हूँ जो पत्थर का ढेर ला गया कहिंदा आ जाओ बैठो हूँ देखो की चमत्कार होंदा है। हूँ कहिंदे है वो कहिंदे की चमत्कार होना पत्थर नाल की चमत्कार होना, कहिंदा देखो हूँ ही कह के उन्हें सूरे खिलास पढ़ी और फूक मारी देखिया पत्थर फिर पत्थर, फिर उन्हें पढ़ी दो बार तीन बार फिर फूक मारी पत्थर फिर पत्थर। वो कहिंदा कमाल की गल है बाबा फरीद ने एक बार पढ़ के फूक मारी तो सोना हो गया, वो मैं तीन चार बार के बार पढ़िया फिर फूक मारी कहता फिर पत्थर का पत्थर। हूँ कहते शाम का टाइम से सारी रात फूका मारता रहा, और जिदा पुरानी की पंजाबी की कहावत होंगी फूक मार मार के अपनी फूक खत्म होने आ गई, यानी साह मुक गया
ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੈਸ ਆ, ਬਸ ਐਂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ ਤੂੰ ਮਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਥੇ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਜੀ? ਪੀ ਲੈਂਦਾ 4-5 ਗਲਾਸ? ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 8-10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਪੱਥਰ ਸੋਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੱਥਰ ਸੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੱਲੀ ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਆਪਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਸੇ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਅੱਛਾ ਬਦਲਾਵ ਆਤਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਆਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਜੇ ਵੀ ਆਪਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕੀਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੇਕ ਕਰਮ ਹੋਗਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੋਗੀ, ਤੋ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸਰਵ ਸੰਜਾ ਦਰਬਾਰ ਕਾਂਟੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕੋ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ।